मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ इट है 350 रुपये का। इंडिया में कहीं भी जाओगे तो ऐसे टोपी एक दो ले लेना, ठीक है। और मेरे को जैकेट बहुत अच्छी पसंद आई है, इसका मैं रेट बताता हूँ। देखो यहाँ पे रेट यहाँ पे दिया हुआ है 16 pounds। तो इसका बेसिकली क्या है, ये हुडी की बात करें तो अगर मान लो ये पहन कर जाते हो तुम शिफ्ट में या कहीं भी बाहर ठंड में निकलते हो तो शायद ये तुम्हें रेन रेजिस्टेंस ना दे पाए। जैकेट भी है ये काफ़ी अच्छी है। तो बेसिकली जो मतलब सिक्योरिटी वगैरह का काम करता है कोई भी, मतलब कोई भी अगर फ्रेंड आ रहे हैं अभी बेसिकली उनके लिए मैं रिकमेंड करूँ कि हाफ नहीं, अगर हाफ लोगे तो कहीं कहीं यूज़ हो सकता है। पर अगर जैसे ये वाला है जो ये वाला है, एक मिनट। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है घोष, हम लोग आशुतोष। तो बेसिकली बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि और सोचते भी हैं कि जो हम लोग इंडिया शॉपिंग करके आए कि ना आए, क्योंकि लगेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ओनली पता है कि 42 kgs ही अलाउड होते हैं। तो उसमें आप लोग को अपना सामान लेके आना पड़ता है, यूटेंसिल्स हो जाते हैं और काफ़ी सारे मसाले होते हैं। तो आज की डेट में हम लोग जाने वाले हैं प्राइमार्क आशुतोष के साथ और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या रेट्स हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हम लोग सिटी सेंटर में, अभी कार्डिफ के सिटी सेंटर में। तो पहले सुबह से निकल गए थे तो पहले हम लोग कुछ ग्रेक से खाएंगे, कुछ स्नैक टाइप का, उसके बाद फिर हम लोग आपको लेके चलेंगे प्राइमार्क और वहाँ पे दिखाएंगे कि चाहे आप यूके में कोई भी सिटी में आ रहे हो, लंदन में जा रहे हो, मैनचेस्टर, यूके, स्कॉटलैंड, कहीं भी जा रहे हो, वहाँ पे प्राइमार्क हर जगह होते हैं और वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको कपड़े मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलेंगे वहाँ पर और बात करेंगे कि और आपको प्राइजेस दिखाएंगे कि वहाँ पर प्राइजेस कैसे हैं। थैंक यू। 2 margherita पिज़्ज़ा लिया। एक्चुअली ये नॉर्मल पिज़्ज़ा के स्लाइसेस होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें हम लोग ने 4 pounds का हो गया, 4 pounds मतलब 400 रुपये। तो ये पहले खाते हैं, फिनिश करते हैं और उसके बाद आपको सीधे प्राइमार्क में ले चलेंगे और उसमें बात करेंगे, आपको दिखाएंगे डिफरेंट। हम आ गए थे यहाँ पे प्राइमार्क के सामने और फिर अंदर जाएंगे। एक्चुअली मेरे को भी जो मेरा फॉर्मल शूज़ है जो मैं अपने शिफ्ट पे पहन के अपने जॉब पे पहन के जाता हूँ, वो भी एक्चुअली टूट गए थे और ख़राब हो गए थे। तो एक्चुअली मेरे को भी एक ब्लैक शूज़ लेने थे जो फॉर्मल्स के हैं। तो अंदर चलते हैं और वो ब्लैक शूज़ भी लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि बाकी सब के शूज़ के हो गए और विंटर्स के कपड़े हो गए और बाकी सब के कैसे प्राइजेस हैं। तो आई थिंक मुझे प्राइमार्क के अंदर आ गए। मुझे लगता है कि ये वाला जो सेक्शन है, जो ये वाला फ्लोर है, शायद बेसिकली वुमेंस का सेक्शन है। विमेंस के भी कपड़े काफ़ी सही रहते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो ये वाला फ्लोर बेसिकली विमेंस का और गर्ल्स का है। तो हम लोग इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे और फिर देखेंगे कि वहाँ पे शायद ऊपर नहीं, शायद नीचे है, नीचे फ्लोर मेंस का है। तो वहाँ पे दिखाऊंगा कपड़े कैसे हैं, टी शर्ट्स हो गए, पैंट हो गए और जो भी विंटर्स के जैकेट। मुझे नहीं लगता अभी विंटर्स के यहाँ पे कपड़े आए हैं, पर लेट्स सी, वहाँ पे जाके देखते हैं। तो मुझे ये बता कि तू अपने कपड़े विंटर से कपड़े लेके आया था कि यहाँ से तूने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया था? मेरा ये डिसाइड था कि यार वहाँ यहाँ आके यूके में आके मुझे कोई से भी एक्सपेंसेस अपने नहीं मतलब बेयर कर पाऊँगा। हाँ, क्यों? तो इस वजह से ये रीज़न था। मैं वहाँ से इंडिया से मैं कम से कम 5-6 हुडीज़ लेके आया था, 2 नॉर्मल यूज़ के लिए और बाकी 4 मेरे कॉलेज के लिए कार्गो लेके आया था और इनर लेके आया था, 3 जॉकी के मिलते हैं, 1500 में मिल जाएंगे अमेज़न में। हाँ, तो बेसिकली देखो डिपेंड करता है तुम्हारे एक्सपेंसेस के ऊपर। अगर तुम्हें इंडिया शॉपिंग करना है तो उस पर वहाँ से भी शॉपिंग करके आ सकते हो, और अगर प्राइमार्क में यहाँ पे आकर शॉपिंग करना है, पाउंडेंड में शॉपिंग करना है, तो यहाँ पे भी आके कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमार्क सेक्शन देख लेते हैं जैकेट्स से कैसे। देखो यहाँ पे अभी तो शायद अभी नए नए आए हैं, तो ये नॉर्मल जैकेट्स एक्सेल साइज के 12 pounds के हैं, मतलब क्वालिटी भी बढ़िया है, यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर मेड इन कम्बोडिया है। तो ये 12 pounds के हैं, ये भी देख सकते हैं इसका प्राइस 12। तो 1200 रुपये में आपको यहाँ पे बेसिकली ऐसे नॉर्मल जैकेट मिल जाएंगे। फ्रेंड आ रहे हैं अभी बेसिकली उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि हाफ नहीं, अगर हाफ लोगे तो कहीं कहीं यूज़ हो सकता है। पर अगर जैसे ये वाला है जो ये वाला है, एक मिनट, जैसे ये वाला फुल जैकेट है, ठीक है, ये मतलब इसका 2XL साइज़ है और सिर्फ 15 pounds में, तो बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। 15 pounds में अगर आपको ये जैकेट मिल रहा है तो बेसिकली क्या है कि ये आपका यूनिवर्सिटी वगैरह का भी यूज़ का भी हो जाएगा, और जैसे अगर मान लो कि आप नाइट शिफ्ट में कहीं जा रहे हो, ठीक है, शिफ्ट वगैरह लगा रहे हो, तो वहाँ पर भी आप जाके ऐसे जैकेट्स पहन सकते हो, काफ़ी वर्थ इट है। और मेरे पास, मैंने एक ऐसा ख़रीदा था
पर ये अभी कुछ मुझे लग रहा है अभी सेल चल रहा है, अभी 15 pounds में अगर ऐसी जैकेट मिल रही है आपको तो काफ़ी अच्छा, इनका क्वालिटी भी रहता है और चलते भी है। मैं 2 साल से ऐसी जैकेट एक पहन रहा हूँ, जैकेट भी है ये काफ़ी अच्छी है। तो बेसिकली जो मतलब सिक्योरिटी वगैरह का काम करता है कोई भी, मतलब कोई भी अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए यूज़ कर सकते हो इसको, और बेसिकली अगर सिक्योरिटी वक्योरिटी का जॉब भी करते हो तो ये वाला यूज़ कर सकते हो। 15 pounds का ये जैकेट है तो मुझे लगता है काफ़ी वर्थ इट है। पुल ओवर तो बेसिकली मेरे को पसंद नहीं है, पर ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, क्योंकि ये इसका रेट है 16 pounds। तो अगर यूनिवर्सिटी वगैरह जा रहे हो या कहीं नॉर्मल घूमने जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ तो वहाँ पे ले सकते हो। और उसके बाद ये अपने पास नॉर्मल हुडीज़ हैं, ठीक है। हुडीज़ काफ़ी यहाँ पे वेराइटीज़ के होते हैं, ये वाइट कलर का है तो ये 18 pounds के हैं। तो मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करता हूँ कि जैकेट अगर तुम्हारे पास होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स में जो जब माइनस या 0 degrees में अपना तुम्हारा वेदर पहुँचता है तो उस टाइम पे तुम्हारे पास अच्छा एक जैकेट हो तो वो अच्छा रहता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर इंडिया से आ रहे हो तो एक डिकैथलॉन वाला जो जैकेट होता है वो ले कर ज़रूर आ जाना, क्योंकि क्या होता है वो 3 डिकैथलॉन के जैकेट नहीं 3000 का एक, हाँ 3000 का जैकेट मिलता है जैसे घोष ने बताया। तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारा सबसे पहले एक तो वो विंटर से प्रोटेक्शन देगा, मतलब जो कोल्ड वेदर से प्रोटेक्शन देगा, और उसके बाद वो रेन रेजिस्टेंस भी होता है ना शायद, तो रेन रेजिस्टेंस में अगर बारिश भी हो रही तो वो दोनों टाइम काम चल जाएगा। पर अगर ये हुडी की बात करें तो अगर मान लो ये पहन के जाते हो तुम शिफ्ट में या कहीं भी बाहर ठंड में निकलते हो तो शायद ये तुम्हें रेन रेजिस्टेंस ना दे पाए। एक नॉर्मल शूज़ उठाया, इसका प्राइस है 18 pounds, पर इसका साइज़ मुझे लग रहा है 7 है। तो ऐसे शूज़ भी आपको स्टाइलिश टाइप के शूज़ मिल जाते हैं जो कि आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी या बाहर कहीं निकल रहे हो फ्रेंड्स के साथ तो वहाँ पे पहन के जा सकते हो। वहाँ पे जो वहाँ की जो क्वालिटी थी मैंने वहाँ पे जो दिखाया था वो 18 pounds का था, वो एग्जैक्टली यहाँ पे 50% का यहाँ पे कट हो गया, और ये 9 pounds में मुझे लगता है कि वर्थ इट है। अगर 9 pounds में अगर ऐसी तुम्हें हुडी मिल रही है, ठीक है, जैकेट टाइप के, तो ये ले सकते हो, ठीक है। तो ये देख सकते हो इसकी क्या रेट है, अगर ये एस साइज़ का है और ये है 9 pounds का। और जैसे ये वाला पूरा जैसे प्राइमार्क है ना, यहाँ पे आपको जो कोई भी सिटी में जाओगे, चाहे आप लंदन में जा रहे हो, मैनचेस्टर में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको ऐसा प्राइमार्क हर जगह मिल जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर विंटर्स में आ रहे हो, चाहे आप सितंबर में आ रहे हो तो काफ़ी जल्दी यहाँ पे ऑलमोस्ट ठंड स्टार्ट हो गई है, अभी यहाँ पे विंटर्स नहीं आए हुए हैं, पर मेरे हिसाब से 2 या 3 थर्मल्स जरूर लेके आना। मैं हर किसी को यही बोलता रिकमेंड करता हूँ कि 2 या 3 थर्मल्स लेके आओगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत कभी अगर कम हो जाता है तो वो थर्मल्स पहन के जा सकते हो और जैकेट वगैरह डाल के जा सकते हो। अब नॉर्मल हाफ टी शर्ट्स की बात करें या हाफ टी शर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक उठाया है, तो इसका जो प्राइस है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसका जो प्राइस है वो 7 pounds का है। तो 7 pounds 4 pounds में आपको एक अच्छी हाफ टी शर्ट्स मिल जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो आपकी पार्ट टाइम जॉब लगती है, चाहे रेस्टोरेंट में, चाहे कहीं भी टेक अवेज में, या कहीं भी एज ए सिक्योरिटी, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बेसिकली जो एक बंदे का जो ड्रेस कॉम्बिनेशन होता है, आउटफिट होता है, वो या तो वाइट टी शर्ट्स बोलते हैं, वाइट शर्ट बोलते हैं, या तो ब्लैक शर्ट बोलते हैं। तो ब्लैक शर्ट की जो यहाँ पे मैं देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, यहाँ पे ये जो ब्लैक शर्ट है ये है 7 pounds का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अर्ली डेज़ में अगर आप एज अ स्टूडेंट, और एक और बार बता देता हूँ, यहाँ पे जब आ रहे हो तो स्टूडेंट डिस्काउंट में अगर आप यूनी डेज़ पे अगर आप रजिस्टर कर लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे वाइट शर्ट भी है, तो ये भी इसका भी कुछ रेट 7 है, इसका साइज़ मीडियम है, तो इसका 7 pounds में आपको 700 rupees में 700 करीब ऐसे शर्ट मिल जाएंगे, और इनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है और देख सकते हो। और एक और बात बताता हूँ, ये इनकी क्वालिटी पता है अच्छी तो रहती है, पर ये इतने सस्ते रेट में क्यों मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी है सारे बाहर से एक्सपोर्ट होके आते हैं, यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात बता रहा हूँ कि अगर मतलब अगर आपको आप काफ़ी अच्छे फ़ैन हो कार्गोस वगैरह के, जो कार्गोस अगर आपको पसंद है तो यहाँ पे कार्गोस काफ़ी अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं। और मैंने यहाँ से तो नहीं खरीदा था, पर मैं बता रहा हूँ यहाँ का मेरे दोस्तों ने काफ़ी खरीदा था, तो यहाँ पे कार्गोस काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। और जैसे कि मैंने एक ही कार्गो उठाया यहाँ पे, तो ये कुछ 20 pounds का इसका रेट है, आप देख सकते हो। इसका इसमें कलर कॉम्बिनेशंस बहुत सारे मिल जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर लेना है, तो 20 pounds में एक अच्छा कार्गो मिल जाता है। मेरे हिसाब से
थोड़ा सा मतलब क्वालिटी, अगर आप क्वालिटी में जाओगे तो बहुत अच्छा प्राइस है, पर और कहीं जैसे कि HMN वगैरह में भी चले जाओ, वहाँ पे ज़ारा वगैरह में भी चले जाओ, तो वहाँ पे भी इस रेट में आपको कार्गोस मिल जाते हैं। क्रीम कलर का सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन, जो मोस्टली यहाँ पे स्टैंडर्ड जो जॉगर होते हैं, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कलर के क्रीम वाले ही होते हैं। तो इसका जो ये एल साइज़ का है और ये 18 pounds का है। और मेरे को जैकेट बहुत अच्छी पसंद आई है, इसका मैं रेट बताता हूँ। देखो यहाँ पे रेट यहाँ पे दिया हुआ है 16 pounds। तो इसका बेसिकली क्या है, जैसे कि मतलब मान लो कि इसमें यहाँ पे दिया हुआ है ये है शावर रेजिस्टेंस और विंड प्रूफ। तो ये मैं बेसिकली इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे अर्ली डेज में आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, प्राइमार्क में, प्राइमार्क बोल रहे यूके आ रहे हो, तो आपको इनिशियल डेज में काफ़ी वॉकिंग करनी पड़ेगी, या कभी आप शिफ्ट से आ रहे हो तो अचानक से रेन पड़ने लगे, क्योंकि यहाँ पे यूके में कभी भी रेन पड़ने लगती है, आपको पता है। तो ये आपका क्या करेगा, आपको थर्मल प्रोटेक्शन भी देगा और उसके बाद आपको यहाँ पे रेन प्रोटेक्शन भी देगा। तो मेरे हिसाब से ये वाली जो डील है काफ़ी अच्छी है, 16 pounds में ये आपको मिल रहा है। क्वालिटी 25 pounds का, थोड़ा सा 25। भाई देखो ठंड में आ रहे हो, जैसे मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको विंटर्स और कोल्ड वेदर एडेप्टेबल जो नहीं होते हैं उनके लिए बहुत न्यू होता है, तो ये 3.5 pounds का, तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ इट है 350 rupees का। अगर इंडिया में कहीं भी जाओगे तो ऐसे टोपी एक दो ले लेना, ठीक है। मैं एक दो टोपी लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे जब यहाँ पे आओगे और आप ऐसे कहीं जगह पे जा रहे हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा -degree में वहाँ पे टेम्परेचर जाता है, तो वहाँ पे ये आपको यूज़फुल होता है, तो आप ये पहन के जा सकते हो। देखो बहुत लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो ग्लव्स लेके आएंगे, ग्लव्स लेके आना, मैं तो यही बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या पता जब आप आओ जनवरी इनटेक में या सितंबर इनटेक में, बहुत लोग के इनटेक लेट होते हैं, कोई कोई अक्टूबर में भी आएगा, बहुत लेट हो जाते हैं, तो उसमें आप ग्लव्स लेके तो ज़रूर आना। पर इसका जो मैं आपको ग्लव्स का दिखाने वाला रेट यहाँ पे देखो, ये 1 pound दिया हुआ है, तो ठीक है, तो 1 pound में मेरे को ये अगर ये 2 pair दे रहा है तो ठीक है, चलो वर्थ इट, 50-50 rupees में आपको वर्थ 2 gloves मिल जा रहे हैं। पर मैं ये बोलूँगा अगर 2 gloves और एक विंटर की कैप और एक डिकैथलॉन की जैकेट ज़रूर लेके आना। आपका नॉर्मल शिफ्ट वगैरह होगा जो आप मतलब जहाँ भी टेक अवेज में या रेस्टोरेंट में या बार वगैरह में काम करोगे, तो ऐसे फॉर्मल शूज़ ही चलते हैं, याद करके एक ऐसा फॉर्मल शूज़ ले लेना, अगर नहीं ले पाओ तो यहाँ पे आके ले सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा भी अगर ऐसा ब्लैक शूज़ आपके पास होता है तो आप कहीं भी कोई भी जो पहली आपकी पार्ट टाइम जॉब लगती है वहाँ पे आप पहन के जा सकते हो, और यही सबसे ज़्यादा सारे जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं यहीं पे यही शूज़ प्रेफरेबल होती है। भाई देखो ये थोड़े चेल्सी बूट्स के मेरे को काफ़ी पसंद है, ये मेरे बकेट लिस्ट में है, मेरे को लेना, काफ़ी अच्छे हैं। अगर ये कितने का मिल रहा है, प्राइस क्या है, 18 pounds में चेल्सी बूट्स मिल रहे हैं आपको, तो इसकी क्वालिटी देख के तो अच्छी लगती है, पर मुझे नहीं लगता ये इतना वर्थ इट है, शायद इसकी क्वालिटी इतनी कोई अच्छी नहीं लगती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको देखना है कि कैसी क्वालिटी के शूज़ मिल रहे हैं आपको, आपको देखने पड़ेंगे। ये फॉर्मल शूज़ अगर लेना है तो ये है 18 pounds के, यहाँ पे फॉर्मल शूज़ है, और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाती है, यहाँ पे कलर वेरिएंट भी बहुत सारे हैं, और उसके हिसाब से मेरे हिसाब से तो अगर जो यहाँ पे अगर आ रहे हो, ठीक है, तो नॉर्मल आपकी जो शिफ्ट लगे पे सारे फॉर्मल्स यहाँ पे शर्ट्स आपके लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, तो अगर आपकी ऑफिस जॉब नहीं है तो मेरे हिसाब से जो इनिशियल्स जो आपके कलर्स होने चाहिए वो मेरे हिसाब से, या तो आप बार बार में अगर रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते हो तो जो भी मैक्सिमम मैंने यहाँ पे देखा है वो तो या तो ब्लैक शर्ट चलता है, तो वाइट शर्ट चलता है। यहाँ पे इसके प्राइसेस क्या हैं, 10 pounds है, तो मेरे हिसाब से बोला 7 pounds का था, इसमें थोड़ी सी क्वालिटी इसकी इंक्रीज़ कर दी गई है, तो इसीलिए इसका 3 pounds बढ़ा दिया है। मैं आ गया था यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे शूज़ के सेक्शन में, तो जैसे ब्लैक शूज़ देखो, अब ऐसा वाला ब्लैक शूज़ अगर आप ले लोगे ना तो देखो ये आपके कैजुअल में भी वर्क हो जाएगा, और यह ऐसा शूज़ आप शिफ्ट में पहन के जा सकते हो, ठीक है, ये अलाउड किया जाता है। तो ऐसे शिफ्ट अगर जैसे मान लो बर्गर किंग में हो गए, मैकडोनल्ड्स में, कहीं भी काम कर रहे हो आप, तो ऐसे शूज़ पहन के जा सकते हो। इसका प्राइस कितना है यहाँ पे आप देख सकते हो, 18 pounds यहाँ पे इसका प्राइस है। वाइट शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वाइट शूज़ के लिए जैसे मान लो कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हो, या कहीं वीकेंड्स के दिन पे आप कहीं नाइट आउट करने जा रहे हो, तो वाइट शूज़ के यहाँ पे प्राइजेस मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 18 pounds के हैं। तो यार मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे सारे के सारे बेस्ट वेराइटी के या बेस्ट क्वालिटी रहती है, कुछ कुछ ऐसे क्वालिटी होना होता है जो आपको देख के और टच करके फील करके आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसका क्वालिटी वर्थ इट नहीं है। बात करते हैं जो स्लीपर्स की या क्रॉक्स की, तो यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे मैंने उठाया हुआ है ये, इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस है 3 pounds। तो भाई मतलब पहले इसका प्राइस था
पहले इसका प्राइस 6 पाउंड था, तो आप देख सकते हो 6 पाउंड काट के यहाँ पे इसका 3 पाउंड लगा दिया गया है। तो 300 रुपये में तो मुझे लगता है कि वर्थ इट है। इसमें कलर भी है इसका, यहाँ पे कलर वेरिएंट भी है, ये भी 300 रुपये पर। यहाँ पे साइज इसका 11 दिया हुआ है। अब मैं आ गया था अंडरवियर्स के, अंडर गारमेंट्स के सेक्शन में। तो यहाँ पे बेसिकली मैं दिखाता हूँ कि आपको क्या प्राइजेज रहते हैं यहाँ पे अंडर गारमेंट्स के। बेसिकली देख सकते हो मेंस वेयर का जो यहाँ पे है वो यहाँ पे 5 पाउंड्स का प्राइस है। इसमें आपको 3 साइज़ मिलते हैं, 3 आपको कोई भी चॉइस के। ऐसे ही यहाँ पे जैसे ही क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ पे ये 8 पाउंड्स का हो गया। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा। तो 5 पाउंड 8 पाउंड में अगर आपको 3 मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छी डील है। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा सॉक्स का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पर यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी वैरायटी होती है यहाँ पे सॉक्स की। बेसिकली मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जो ब्लैक सॉक्स होते हैं सबसे बेस्ट होते हैं ब्लैक सॉक्स, क्योंकि आप शिफ्ट वगैरह पे जा रहे हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह होता है। तो उसमें आपको ये है कि थोड़ा गंदा भी कम होता है और थोड़ा ड्यूरेबिलिटी भी उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक सॉक्स का दिखाता हूँ। इसमें पांच पेयर हैं इसमें और ये 7 पाउंड्स का है। तो 7 पाउंड्स मेरे हिसाब से 700 रुपये का मेरे हिसाब से थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे। पर बहुत सारे यहाँ पे वैरायटी होते हैं, वैरायटी के ऊपर आप जा सकते हो। उस पर उसके बाद क्वालिटी भी होती है। क्वालिटी पे जाओगे तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, पर 7 पाउंड 5 सॉक्स के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। तो सॉक्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा पता करने गया था कि ये स्टूडेंट डिस्काउंट करते हैं कि नहीं करते, यूनिडेस एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या बोला? तो भाई आप देख सकते हैं कि ये प्राइमार्क वाले यहाँ पे आपके स्टूडेंट डिस्काउंट्स नहीं मिलते हैं, जो भी इनका पहले से काफ़ी चीप और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस रहते हैं। तो इसलिए ये भी रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे ये लोग स्टूडेंट डिस्काउंट ना देते हों। कि मेरे को ये वाला शूज़ पसंद आए हैं। एक्चुअली ये ऐसे थे कि मतलब कि हाँ भाई अपने शिफ्ट पे भी पहन के जा सकते हैं और फॉर्मल थोड़े से लग रहे थे, तो मैंने डिसाइड था। और इसका प्राइस मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ 18 पाउंड्स के हैं। लेने थे और कुछ सॉक्स लेने थे, मैंने ले लिया। और आशुतोष ने एक वाइट शर्ट और एक वाइट लिया है, वाइट शर्ट और ब्लैक शर्ट, जो कि उसके भी शिफ्ट में जो जहाँ भी उसकी पार्ट टाइम जॉब लगी है वहाँ पे उसको यूज़ होगा। एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे क्या है। जैसे कि मान लो आपने ये अभी मैंने ये वाले शूज़ ले लिए और ये सॉक्स ले लिए, तो ये इनका 28 डेज़ रिफंड पॉलिसी होता है। अगर मान लो कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, ठीक है, और अगर आपको नहीं और आपने उसको अच्छे क्वालिटी में रखा हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसा मतलब लग रहा है कि हाँ भाई रिटर्न हो जाएगा, तो आप उसको 28 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपने उसको पूरा ही यूज़ कर लिया, पूरा अच्छे से यूज़ कर लिया और फिर लग रहा है कि भाई वो यूज़ेबल है, तो यहाँ पे आने के बाद मना कर देते हैं। पर जब मैंने यहाँ पे आके रिटर्न किया था, बहुत पहले वाइट शर्ट था और ट्राउज़र थे, वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी में थे, तो इन्होंने मेरे को पूरा का पूरा पैसा रिफ़ंड कर दिया था। पर इम्पॉर्टेंट इस बात की ये है कि आप अपना रिसीट जो है वो संभाल के रखना, क्योंकि वो रिसीट आप काउंटर पे आके दोगे और बोलोगे कि मेरे को वापस करना है, तो वो लोग वापस कर देते हैं। गाइज इतना ही था, मैंने आपको आई होप आपने देखा होगा, काफ़ी प्राइजेस देखे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्राइजेस होते हैं यहाँ के प्राइमार्क में। अब सारे यहाँ का स्टैंडर्ड का तो पता नहीं, पर मैक्सिमम जो भी यूके में जितने भी प्राइमार्क रहते हैं, चाहे वो अलग अलग सिटीज़ में हो, उनके मैक्सिमम जो प्राइजेस होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। तो आप जाके देख सकते हो और आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगी हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल पे बने रहना।